कि इलेक्ट्रिक कार के अंदर इस बार इंजन दिया गया है, ये मिलिट्री व्हीकल से ही इंस्पायर्ड है और इसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक स्कैनर्स लगे हैं। इस कार में 18 स्पीकर्स लोडेड हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। भैया ये बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे लगा। डोर हैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गन है। को ये ट्रे ऑफर की जाती है। यहाँ पर साइड में देखिए आपको ये सेंसर दिया गया है, आपके आईज को पूरा डिटेक्ट करता रहता है। आपको नींद वींद तो नहीं आ रही है? अगर उसको लगा कि भैया आंखें ज्यादा ही इनकी देर बंद हो रही है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम आपके लिए जो कार लेके आए हैं ये बेसिकली जो ऑटोमोबाइल लवर्स है ना उनके लिए एक ट्रीट होने वाली है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कार है। बहुत लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, वो हर तरीके की कारें जानना चाहते हैं मेरी तरह। तो हम इस टाइम पर ऐसे इंटरनेशनल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग कार्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। इस कार का नाम है मंगशी, मंगशी कंपनी का नाम है, गाड़ी का नाम है 917। क्या नाम है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस कार में भी ऑफर क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो गाड़ी है ना जितनी ज़्यादा पावरफुल आपको देखने में लग रही है उतने ही खतरनाक इसके डायनामिक्स हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके इंजन की, तो यहाँ पर इंजन नहीं है। ये जो कार हमारी है ये हमारी बैटरी से चलती है, ये हमारी मोटर से चलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, जो आपको रेंज देती है 518 किलोमीटर्स की, और जो यहाँ पर आपको पावर मिलती है वो सबसे ज़्यादा मैसिव है, दैट इज़ 1088 हॉर्स पावर। यहाँ पर जो बैटरी का यूज़ किया गया है वो आपकी 148 किलोवाट आवर की बैटरी है। अभी आपको मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार में यूजुअली हमने कभी इंजन देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, और ये इंजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैटरी को पावर प्रोवाइड करने के लिए है, और जो ये पावर प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी एडिशनल 196 हॉर्स पावर है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है कि इलेक्ट्रिक कार के अंदर इस बार इंजन दिया गया है उसकी बैटरी को ही पावर करने के लिए। और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, आपके इंजन को भी और आपकी बैटरी को भी, तो जो हमारी रेंज अभी आपको मैंने 500 समथिंग बताई थी वो आपकी हो जाएगी 818 किलोमीटर्स। तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल जस्टिफाई लगता है कि यार जिस डायमेंशन की ये कार है, जितनी ह्यूज ये कार है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें ज़बरदस्त डायनेमिक्स भी ऑफर किए जाते हैं। और इस कार की अगर मैं बात करूँ, अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो आप इस कार को देखते जाना मेरे साथ, हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट मैं इसको बोलूँगी। अतरंगी सी गाड़ी है, डिफरेंट सी गाड़ी है, जो डेफिनेटली हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केपेबल है। फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ है, बहुत ज़्यादा इसमें कट्स हैं, कर्व्स हैं, शार्प कट्स हैं, शार्प एजेस मेंटेन किए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको लगने वाले हैं। ऊपर के साइड में ये जो पार्ट इसमें दिया गया है ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेंट्स का इल्यूजन दिया गया है, अगेन कार को हर तरीके से डिज़ाइनर बनाया गया है। ग्रिल को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रिल स्ट्रक्चर है, एंड ये प्रॉपर ग्रिल है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें लगा हुआ है 4 सिलेंडर्स के साथ। कैमरा हमें यहाँ पर दिया गया है, नीचे के साइड में पार्किंग सेंसर्स हैं। जो लोअर बम्पर पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बल्की और स्पोर्टियर लुक दे रहा है, कार को बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस प्रोवाइड कर रहा है ये। और अगर कार की ब्रॉडनेस की बात करूँ तो ये गाड़ी आपकी अराउंड 2.1 मीटर ब्रॉड है। लाइट्स की बात करते हैं तो लाइट्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत डिफरेंट है, जैसे गाड़ी एकदम जिगजैग पैटर्न में है ऐसे ही आपको यहाँ पर लाइट का पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। LED हेडलैम्प्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और नीचे के साइड में आपको LED फॉग लैम्प भी ऑफर किए गए हैं। कार के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गाड़ी अराउंड 5.1 मीटर लेंथ में है, इसकी जो हाइट है वो है आपके अराउंड 2 मीटर्स, और जो इसकी ब्रॉडनेस आपको बता चुकी वो भी अराउंड 2 मीटर्स है। यहाँ पे जो व्हील बेस हमें ऑफर किया जाता है वो आपका 3 मीटर्स का है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको दी गई है वो है आपकी 235 mm। साइड प्रोफाइल में जो इसके टायर हैं वो आपके ऑल टेरेन टायर हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, एंड इसकी डिज़ाइनिंग आपको क्रेजी कर देगी, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं ये। 275/65 R20 इनका प्रोफाइल है। थोड़ा फर्दर पीछे मूव करेंगे आप तो यहाँ पर जो आपके ये नट्स वगैरह है इसको इसी तरीके से ओपन रखा गया है ताकि गाड़ी को थोड़ा रगेड लुक मिले। ह्यूज साइज ORVM आपको ऑफर किया जाता है। कार में ड्यूअल शेड को मेंटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आपको ब्लैक पियानो फिनिश और ये मिलिट्री कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, मिलिट्री ग्रीन एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है। और हाँ, मिलिट्री से मुझे याद आया, जो ये कार है ना हमारी, ये मिलिट्री व्हीकल से ही इंस्पायर्ड है, और इसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक स्कैनर्स लगे हैं जो अपने आप ही रोड को पूरा स्कैन कर लेते हैं, पूरा रोड मैप वो तैयार कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाड़ी परफॉर्म करती है। उसे हर टेरेन का पता होता है कि आगे जाके इतने किलोमीटर पर क्या आने वाला, उतने मीटर पर क्या आ रहा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर क्या है। तो इतने खतरनाक इस कार के अंदर सेंसर्स लोडेड हैं।
कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है, ORVM के नीचे 360 डिग्री कैमरा के साथ गाड़ी आपको मिलती है। यहाँ पर ये एक टेपिंग की गई है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पे स्टिकर का यूज़ किया गया है जो कार के डिज़ाइन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं डोर हैंडल की भी बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ आपको मिलते हैं। स्टेप पैडल यहाँ पे आपको गिवन है जो बहुत ज़्यादा आई थिंक रिक्वायर्ड है क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी है। चलिए अब चलते हैं इसके कैबिन के अंदर। डोर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इसका जो डोर है वो एक तो सबसे पहली बात है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ओपन हो जाता है, फुल ऑन आपको एक्सेस मिलता है कार के अंदर एंटर करने के लिए। वुडन फिनिश और ग्रे कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, हर जगह आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम है। इनफैक्ट नीचे भी यहाँ पर सॉफ्ट टच ही दिए गए हैं, नहीं है प्लास्टिक है। म्यूज़िक सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कार में 18 स्पीकर्स लोडेड हैं। स्टेयरिंग की बात करेंगे तो आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाता है, यहाँ पर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है, वॉइस कमांड आपके पास है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको स्टेयरिंग पे यहाँ दिया गया है। ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस कार के अंदर 3 ड्राइव मोड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेरेन के लिए भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लाइक स्नो, मर्ड, सैंड, वेडिंग, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। फेवरेट बटन की हेल्प से आप कोई भी एक फंक्शन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इसका ग्राफिक डिस्प्ले आप देख ही रहे हैं कि जितनी ज़्यादा स्टाइलिश गाड़ी आपकी बाहर से है उतनी ही ज़्यादा स्टाइलिश ये अंदर से भी है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल रही है, आपका बैटरी का स्टेटस पता चल रहा है, आपको अपना टायरट्रॉनिक्स पता चल जाएगा, आपको कितनी रेंज आपकी बची है वो पता चल जाएगी, इंजन का स्टेटस भी आपको बहुत क्लियरली शो करेगा। ह्यूज साइज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टच के साथ आपको ये मिलता है। यहाँ पर आपके पास आप अपना फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल ऑन एसी यूनिट आपकी बन जाएगी ये, लाइक दिस। सीट वेंटिलेशन आपको ऑफर किए जाते हैं फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए भी, रियर पैसेंजर्स के लिए भी। एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है ये और वो आपका वायरलेस है। इंफोटेनमेंट में कुछ कंट्रोल आपको यहाँ से भी दिए गए हैं, अगर आपको अपना चार्जिंग पोर्ट खोलना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको मैंने अभी दिखाया स्टेयरिंग पे आपका फेवरेट्स का बटन है, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको अपना ग्लव बॉक्स ओपन करना है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सनरूफ को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सीट का एडजस्टमेंट है, सिंपली आपको इन एरोज़ के ऊपर प्रेस करना है और आपकी सीट एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट कंट्रोल दिए गए हैं और इसकी आप इंटेंसिटी अच्छी खासी बढ़ा लीजिए ताकि गाड़ी और ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई दे। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, अराउंड 64 कलर्स आप यहाँ पर अपने मूड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर साइड में देखिए आपको ये सेंसर दिया गया है जो बेसिकली आपके पोस्चर को, आपके आईज़ को पूरा डिटेक्ट करता रहता है और आइडिया ले लेता है कि आपको नींद वींद तो नहीं आ रही है। अगर उसको लगा कि भैया आँखें ज़्यादा ही इनकी देर बंद हो रही है तो ये नींद में, फिर वो आपको अलर्ट दे देगा या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग को इंगेज कर देगा ताकि आप थोड़ा होश में आए और अपनी कार का एक्सीडेंट ना करें। यहाँ से आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि इस टाइम पर ये जो बैटरी है ये आपकी 81% तक चार्ज है। एक और आपको स्क्रीन दिया गया है जो आपका मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो आपके साथ में पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए, और यहाँ से वो अपना फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन को मिरर कर सकते हैं प्रॉपर, हर तरीके से इसमें काम कर सकते हैं और ये आपको इंटरनेट सर्फिंग में सपोर्ट करेगा। नीचे के साइड में एसी वेंट की डिज़ाइनिंग आपको कुछ ऐसी दी गई है, ये नॉब्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे आपको। फर्दर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर ये जो व्हीकल है हमारा प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है तो यहाँ पे डिफरेंशियल पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं, ट्रैक्शन आपके पास है, हिल डिसेंट आपके पास है। उसके नीचे वायरलेस चार्जर के लिए जगह दी गई है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट और जो इसका गियर लीवर है भैया ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगा। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से आपके टेरेन सेट हो जाते हैं, स्नो, मड, सैंड, रॉक, वेड, आपको जो भी मैंने बताया, और यहाँ पे आपके ड्राइव पे आप इसे लेके चले जाएंगे, ड्राइव पे आपको ले जाना है, न्यूट्रल पे आपको ले जाना है या पार्किंग पे आपको लेके जाना है। और जो सेंटर वाला कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एयर सस्पेंशन के लिए है जिसको आप यूज़ करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाता है छोटा सा और इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके ट्विन कप होल्डर के लिए जगह बन जाती है। इस साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके ह्यूज हैंडरेस्ट के नीचे स्पेस दिया गया है जिसमें आप इसको मूव करके बहुत अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और ये आपका कूल स्टोरेज बॉक्स है। डोर हैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गन है और अपने गन को ऐसे पकड़ना।
तो ये गन जैसी शेप है। यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिक दी गई है चारों सीट्स के लिए। पीछे के साइड में यहाँ पे सीट्स नहीं है, ये 5 सीटर व्हीकल ही है, इसके साइज़ पे मत जाइएगा। बाकी यहाँ पर आपको वुडन फिनिश वगैरह मिल जाती है। सेंटर में अगेन वुडन फिनिश दी गई है। एसी वेंट्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपके पास टाइप सी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और छोटा सा स्टोरेज दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये ट्रे ऑफर की जाती है, जिसपे आप कुछ रख के खा सकते हैं, अपना टैब रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। और उसके नीचे आपके पास मैगजीन होल्डर के लिए भी जगह है। यहाँ पर हमें बड़ा भारी है ये तामझाम मिलता है। तामझाम में ये जो स्क्रीन आपको दिया गया है, ये बेसिकली आपकी जो सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर रियर में मसाज, अपनी सीट की पोजीशन, रिक्लाइन करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आपको कुशन का यूज़ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मैं बोलूँगी। बहुत अच्छा लेदर यहाँ पर यूज़ किया गया है, नापा लेदर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऊपर के साइड में हम लोग बात करते हैं तो आपको 2 सनरूफ ऑफर किए गए हैं, एक फ्रंट में एक रियर में, और दोनों ही आपके ओपन हो जाते हैं। चलिए आप चलते हैं सबसे लास्ट में और वहाँ पर देखते हैं रियर प्रोफाइल कैसा है कार का। आइए, कार के रियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे ऊपर आपको कैमरा दिया गया है, उसके नीचे बैक लाइट है, डिफॉगर है। ये इसका स्पेयर टायर नहीं है, स्पेयर टायर आपको इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें गिवन ही नहीं है। यहाँ पर आपको मिलने क्या वाला है वो चीज़ है ये, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये टैंक्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें आप अपना कुछ भी सामान, जैसे इसमें वो इंजन है तो उसके लिए पेट्रोल सेव कर सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी सेव हो जाएंगी। और ये इनकी लिड्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हैं। फर्दर नीचे की तरफ आते हैं तो लोअर बम्पर की डिज़ाइनिंग आपको मिलती है कुछ ऐसी, जो अगेन बहुत ज़्यादा बोल्ड अग्रेसिव आपको लगती है। लाइट्स भी बहुत स्टाइलिश आपको दी गई है, LED टेल लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा साइड में मूव करते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका डेड है, लेकिन डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। गाड़ी के प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस गाड़ी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 85 लाख है, और 85 लाख में यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ ऑफर की जा रही है, ज़बरदस्त कार है। जैसे हम लोग टैंक्स वगैरह देखते हैं ना, उनकी जो गाड़ियाँ होती है, कुछ ऐसा ऐसा ही लुक आ रहा है, लेकिन और स्टाइलिश और बोल्ड लुक के साथ। तो मुझे ये कार बहुत पसंद आई है, आपको कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। आप कमेंट्स में ये मत लिखना कि यार इंडिया में नहीं आने वाली, इंडिया में तो बहुत चीज़ें नहीं आने वाली दोस्त, लेकिन आपको हमेशा चीज़ें पता होना चाहिए। अगर ऑटोमोबाइल लवर हो तो हर चीज़ हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए।